इलेक्ट्रिसिटी जो अंदर पूरी है सर, और वाटर कलर है आधा घंटा पूरा अभी जो टेस्टिंग हुई है सर, वो जो फीवर लाइन बाहर ले की गई है सर, उनका टेस्टिंग हुआ था। पानी डालो जरा, हाँ पानी डाल। अब सर हम अपने टॉयलेट से वो फीवर लाइन का पूरा टेस्टिंग करेंगे, बस आगे का क्लियर है कि वो हो जाएगा सर। डॉक्टर दीप्ति दीक्षित शर्मा फ्रॉम कैंटोनमेंट हॉस्पिटल वाराणसी। डॉक्टर साहब, जहाँ एक तरफ कोविड 19 के प्रकोप से सारे लोग अपने घरों में कैद हैं, वहीं दूसरी तरफ आप प्रेग्नेंट होने के बाद इस प्रकार से सेवा कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी देखिए, कोविड महामारी इतनी बुरी तरीके से फैली हुई है, इसकी सेकेंड वेव जो आई है काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि ड्यूटी इंसान नहीं छोड़ सकता, ड्यूटी तो करनी ही पड़ेगी। चीज़ों को मैनेज करते हुए, प्रिकॉशंस लेते हुए हम अपना घर और परिवार और अपना काम, तीनों चीज़ों को हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी सुरक्षा का ध्यान रखा है? सुरक्षा का पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है, मास्क है, सैनिटाइज़र है, सोशल डिस्टेंसिंग है हॉस्पिटल में और घर में भी बाकी लोगों से। मतलब काम एक तरीके से देखा जाए तो डबल हो गया है हमारा, लेकिन ये है कि करना है तो कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से सब मैनेज हो जाए। मैम, जिस पोजीशन पे इस समय आप चल रही हैं, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं वो भी अभी मतलब उसी पोजीशन पे, तो उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए मैं एक ही संदेश दूंगी, अगर बहुत ही ज़्यादा आपका ज़रूरी काम है जिसको आप नहीं डाल सकते तो आप बेशक करिए, और अगर कुछ ऐसा काम है जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जो हाउसवाइफ्स हैं या जिनका भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, वो बस प्रॉपर प्रिकॉशंस लें, किसी के कॉन्टैक्ट में ना आए, और जितने भी हमारी चीज़ें हैं, मास्क, सैनिटाइज़र है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, क्योंकि यही मेन स्टे है ट्रीटमेंट का। एक बार इन्फेक्शन हो गया फिर तो कौन सी बीमारी कहाँ जाए कोई नहीं जानता, बेहतर है कि प्रिकॉशन पहले स्टेप पर ही ले लिया जाए। सुविधा का क्या मतलब, सुरक्षा के लिए क्या विशेष रखना है आपको? सुरक्षा के लिए तो मैंने जैसे आपको बताया अभी, जो हमारे बेसिक प्रिकॉशंस हैं हम वही ले रहे हैं, अपनी दवाइयाँ टाइम से लेना, मल्टी वाइटमिन्स लेना, डॉक्टर की जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो अपने डॉक्टर के संपर्क में बनी रहें, और अपनी डाइट का अच्छे से ध्यान रखें। सबसे ज़रूरी है सोशल डिस्टेंसिंग, अगर आपने प्रॉपर डिस्टेंसिंग मेंटेन की हुई है और डबल लेयर मास्क पहना हुआ है तो आपको काफ़ी बेनिफिट रहेगा, आप काफ़ी चीज़ों से सेफ रहेंगे। जी, धन्यवाद।